13 वेट कैटेगरी थी, उसमें मोस्टली आज फाइनल हो जाएंगे और काफ़ी बढ़िया बॉक्सर्स आए इस पूरी प्रतियोगिता में और काफ़ी अच्छे मुकाबले चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अभी तक जो रिजल्ट आए हमारे पास अलग अलग बाउटों के, उसमें DAV कॉलेज एक नंबर पदान पर चल रहा है। 34वीं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे हैं अपना दमखम। DAV कॉलेज के खेल मैदान पर करीब 70 मुक्केबाजों के बीच जारी है प्रतिस्पर्धा। कोरोना महामारी के बीच 2 साल के अंतराल के बाद आखिर खिलाड़ियों में जोश और उत्साह का संचार हुआ जब 18 दिसंबर से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से खेल कैलेंडर जारी करने के बाद बॉक्सिंग की पहली प्रतियोगिता शनिवार को दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर शुरू हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की 34वीं इंटर कॉलेज मुक्केबाजी पुरुष प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को हुई। विभिन्न राउंड की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में DAV कॉलेज ने अपनी वरीयता को कायम रखा है। खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद इतने बड़े स्तर पर हो रही मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिलाड़ियों में उत्साह और जोश बरकरार है। यहाँ विभिन्न महाविद्यालयों के मध्य खेले जा रहे टूर्नामेंट के बाद विश्वविद्यालय की टीम का चयन होगा। AIU इंडिया आगामी दिनों में चंडीगढ़ की लवली यूनिवर्सिटी में होने जा रही है, उसमें MDS यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार कैटेगरी में करीब 70 मुक्केबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। अंतर महाविद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आज दूसरे दौर के मैचेस खेले जा रहे हैं और इसके अंदर जो भी हमारी 13 वेट कैटेगरी थी उसमें मोस्टली आज फाइनल हो जाएंगे और काफ़ी बढ़िया बॉक्सर्स आए इस पूरी प्रतियोगिता में और काफ़ी अच्छे मुकाबले चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अभी तक जो रिजल्ट आए हमारे पास अलग अलग बाउटों के, उसमें DAV कॉलेज एक नंबर पदान पर चल रहा है। और काफ़ी टाइम से DAV कॉलेज कोविड से पहले से ही बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे जिसका परिणाम आपको इस रिंग में देखने को मिल रहा है। और क्या लगता है कि काफ़ी सालों के बाद मतलब 2 साल के बाद ये इस तरह का मौका आया? हाँ, कोविड के बाद पहला प्रतियोगिता और MDS यूनिवर्सिटी की भी पहली प्रतियोगिता है तो बॉक्सरों में काफ़ी रुझान है और इंटरेस्ट भी है और खूब चाह रहे थे क्योंकि इतने टाइम से खेलने को ना कोई चैंपियनशिप नहीं मिली थी। तो ये एक अच्छी पहल थी विश्वविद्यालय की और DAV कॉलेज अजमेर की जिससे इन खिलाड़ियों को एक मंच मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला खेलने का जहाँ ये बाखूबी अपना परफॉर्मेंस दे रहे और यहाँ से जो भी टीम चयन होकर जाएगी विश्वविद्यालय के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि AIU जो ऑल इंडिया लवली यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हो रही है उसके अंदर ये MDS यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहाँ पे एक अच्छा परिणाम लाए, ऐसी मैं इनसे आशा करता हूँ।